हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म बनाकर आप किस तरीके से यूज़र से डेटा इनपुट लेकर और उस डेटा को अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप यहाँ स्पेसिफिक वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं जो इंसर्ट करना है वो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कोमल उसका रोल नंबर और उसका एड्रेस डिफाइन किया था और ये डेटा हमारे डेटाबेस में जाकर, मैं डेटाबेस ज़रा ओपन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट, लोकल होस्ट मेरा सर्वर रन कर रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ और सर्वर मेरा रन कर रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट मैं ज़रा एक बार रन कर लेता हूँ अपना PHP माई एडमिन, देन यहाँ मेरा जो डेटाबेस है वो टेस्ट अंडरस्कोर DB है, देन इसमें एक टेबल था मेरा स्टूडेंट नाम का और हम लोगों ने ये डेटा इंसर्ट किया था Komal120 मुंबई। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग ये करने वाले हैं कि ये जो डेटा हम लोगों ने लिखा था, यानी कि एक डेवलपर, देखिए जो यूज़र होगा, जो सिर्फ यूज़र है वो तो इस तरीके से कोड में आकर अपना वैल्यूज़ देगा नहीं, उसको आपको एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलप करके देना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्म देना पड़ेगा जिसमें वो अपना डेटा लिखेगा और वो डेटा जाकर स्टोर होगा आपके डेटाबेस में। तो इस तरह का कुछ हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, इस तरीके का हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा। ये पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बस समझा दूंगा कि किस तरीके से मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है लिखने में और समझाने के टाइम पर मैं थक जाता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। इससे अच्छा कि हम लोग पहले से लिख लें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम समझने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, बनेगा वीडियो। ओके, सो पूरा सिनेरियो पहले समझ लीजिए कि पूरा सिनेरियो क्या है, ठीक है। हमारे पास हमारे डेटाबेस में, हमारा ये डेटाबेस है, हमारे डेटाबेस का नाम है test_db, जिसमें एक टेबल है स्टूडेंट नाम का जिसमें ये सारा डेटा है। अभी हम क्या चाहते हैं कि यूज़र को हम एक फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें वो अपना नाम, रोल नंबर और एड्रेस लिखकर सबमिट बटन पर क्लिक करेगा। जो डेटा वो लिखेगा और जिस तरह से सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो जो डेटा है, जो डेटा उसने यूज़र ने इनपुट किया, वो डेटा आकर यहाँ बैक एंड में इस डेटाबेस में आकर सेव होना चाहिए, ऐसा हमारा सिनेरियो। उसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और PHP का ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि वो डेटा जो हमारे पास यूज़र के द्वारा आ रहा है वो डेटाबेस में आकर सेव हो। तो इस कोड को आप लोगों ने पिछले वीडियो में समझा होगा, अगर इसको आपने समझा है तो और इस वीडियो में समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी HTML का कोड है जिसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल किया है और एक सिंपल सा हम लोग यहाँ फॉर्म बना रहे हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं जानते हैं तो बूटस्ट्रैप थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फॉर्म जो क्रिएट किया गया है ये समझ में नहीं आएगा। वैसे आप विदाउट बूटस्ट्रैप भी अगर फॉर्म सिंपल बना लेते हैं और सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बूटस्ट्रैप यूज़ करके ही फॉर्म बनाएंगे तभी आपका डेटा सेव होगा, वैसा कुछ भी नहीं। बूटस्ट्रैप का डेटाबेस से सेव होने से कोई लेना देना नहीं है। बूटस्ट्रैप से सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो फॉर्म है वो आसानी से क्रिएट हो जा रहा है और ज़्यादा अच्छा लुक हमें दे रहा है। ओके, सो मैंने बूटस्ट्रैप का यहाँ एक कंटेनर क्लास यूज़ किया है जो कि फिक्स्ड विड्थ हमें देगा, देन रॉ बनाया है और इसके कॉलम को मैंने साइज 4 कॉलम का इस्तेमाल किया स्मॉल साइज के लिए, और इस पर मैंने फॉर्म टैग लगाया है जिसपे मैंने मेथड पोस्ट दिया हुआ है और एक्शन पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा जा रहा है वो इसी पेज में हो, परफॉर्म हो, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ग्रुप का एक क्लास यूज़ किया है जिसमें मैंने लेबल लगाया है नेम, हमारा एक इनपुट है टेक्स्ट टाइप का जिसमें नेम, ये याद रखिएगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, नेम वाले के लिए हम लोगों ने नेम क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। इस तरीके से रोल के लिए हम लोगों ने नेम में रोल लिखा हुआ है, ये भी टेक्स्ट टाइप का है, और हमारा एक एड्रेस है जिसके इसका टाइप भी टेक्स्ट है और इसके लिए इसके नेम में हम लोगों ने एड्रेस लिखा हुआ है। ये मैं क्यों ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी से हम लोग इसका डेटा एक्सेस करेंगे कि फॉर्म में कौन सा डेटा आ रहा है, तो इसी नेम वाले वैल्यू से हमें एक्सेस करने को मिलता है PHP में। देन हमारा यहाँ एक बटन है सबमिट का जिसका नेम हम लोगों ने सबमिट लिखा हुआ, सबमिट का ये बटन है, ठीक है। और बटन क्लास मैंने कुछ यूज़ किया यहाँ बूटस्ट्रैप का, इसको अगर अभी इसके नीचे जावास्क्रिप्ट का जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो है, ठीक है। अभी मैंने PHP का कोई भी कोड नहीं लिखा है, PHP का कोड मैं आपको लिख कर दिखाऊंगा। ये सिंपल सा HTML का फॉर्म है, मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको ज़रा मैं रन कर लेता हूँ, ठीक है। लोकल होट GS PHP ट्यूटोरियल, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है, तो हमें ये इस तरीके से पूरा फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ आप डेटा लिखें और सबमिट पर क्लिक करें तो ये डेटा जो है हमारे इस बैकएंड में आकर यहाँ सेव होना चाहिए डेटाबेस में। सो ऐसा हमें करना है, अभी इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा, अगर अभी हम अपना डेटा लिखेंगे इसमें और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने
यहाँ आने के लिए इसका कोड नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका कोड लिखते हैं। ये सिंपल सा समझ में आ गया कि ये जो HTML है ये हमें सिर्फ एक फॉर्म दे रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा है। फ्रंट एंड हम लोगों ने बना लिया, अभी बैक एंड पे काम करेंगे। सो ये जो कोड है इस कोड को मैं ऐसे रहने देता हूँ, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ PHP का कोड। आई होप कि आप लोगों को ये जो है सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको ज़रा सा छोटा करके फॉन्ट को बड़ा कर दूँ क्या? नहीं ठीक है, आई गेस साइज ठीक है, होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई देता तो आप वीडियो को HD में कर लीजिएगा, जिससे कि कोड आपको सही तरीके से दिखाई दे। ऊपर का इतना कोड जो है, जो डेटाबेस कनेक्शन ओपन करने का है, कनेक्ट करने का, ये कोड तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आप डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो पहले डेटाबेस को ओपन मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल यहाँ तक हो जा रहा है, ये हमारा ठीक है। इसके बाद हम लोग डेटा को सेव करने का कोड लिखेंगे। तो डेटा सेव कब हो? जब सबमिट बटन पर क्लिक हो। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। इफ़ इज सेट, अगर सबमिट बटन पर क्लिक होता है उसी को चेक कर रहे हैं कि उसमें डेटा आ रहा है या नहीं। रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें सबमिट और इसमें हम लोग कंडीशन लिखेंगे अपना। जब सबमिट बटन पर क्लिक हो, यहाँ देखिए ये जो सबमिट मैंने लिखा हुआ ये कहाँ से लिखा हुआ, यहाँ पर अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ आपको सबमिट बटन का नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दिखाई देगा, ये सबमिट ये वैल्यू मैंने वहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो ये इफ स्टेटमेंट देखेगा कि इसमें डेटा आ रहा है, अगर डेटा आ रहा है तो ये चेक करेगा। मतलब सबमिट बटन पर डेटा आ रहा है कहने का मतलब ये कि सबमिट बटन पर क्लिक हुआ तो ये इफ स्टेटमेंट रन करेगा, और ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा सबसे पहले कि पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि एम्प्टी वाले पे चेक कर लेते हैं कि ये जो डेटा ये जो फॉर्म है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब खाली रहकर कोई सबमिट बटन पर क्लिक करे तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एम्प्टी को ज़रा चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक मैं कमेंट लिख देता हूँ, चेकिंग फॉर एम्प्टी फील्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं एक और इफ लगाऊंगा, ये चेक करेगा कि हर एक फॉर्म का जो एरिया है, जो नेम है, रोल है, जो उसको उसका बॉक्स है, उसमें डेटा होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी होता है तो आपको एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इफ़ के अंदर एक और मैंने लिखा पैरेंथेसिस देन रिक्वेस्ट, और इसमें नेम इक्वल एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर नेम कहाँ से लिखा है, यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि नेम वाला जो हमारा सेक्शन है उस पर नेम में मैंने नेम लिखा हुआ है, तो ये वाला नेम मैंने वहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस नेम वाले बॉक्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, तो ये यहाँ इसको चेक करेगा कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा तो इसके अंदर का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तभी हम लोग को सभी में करना है, सिर्फ नेम में नहीं। तो हम लोग और लगाते हैं यहाँ, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और इसको एक बार पेस्ट कर देते हैं, फिर एक बार और लगाएं, बिकॉज हमारे पास तीन है। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ कि रोल को भी चेक करिए और हमारा जो एड्रेस है उस एड्रेस को भी चेक करेगा। तो ये हर एक फील्ड को चेक करेगा कि किसी में भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो क्या रन करेगा, इसके अंदर का जो कोड होगा वो रन करेगा, और इसके अंदर का कोड ये कहेगा कि इको फील ऑल, ठीक है। इसमें एक मैं HR दे देता हूँ, या फिर अभी रहने देते हैं, बाद में इसको और बेहतर बनाएंगे तब इसमें देखेंगे, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे इसको रन करते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये एरर मैसेज मिल जाएगा कि फिल ऑल फील्ड्स, बिकॉज आपने यहाँ कोई भी डेटा लिखा हुआ नहीं है इसे, और सबमिट बटन पर क्लिक करने से लिए आपको यहाँ ये मैसेज मिल जा रहा है कि आपको सारा डेटा जो फिल करना पड़ेगा, तभी आपका ये सबमिट बटन काम करेगा, और सबमिट बटन आपका मतलब जो डेटा है वो सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। सो ये क्या कर रहा है, ये सिंपली ये जो इफ स्टेटमेंट है ये सिंपली चेक कर रहा है कि सब नेम वाले बॉक्स में, रोल वाले बॉक्स में और एड्रेस वाले बॉक्स में एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है क्या। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देना है कि आप डेटा फिल करें, अदरवाइज आपका सबमिट नहीं होगा डेटा,
ठीक है, चेक करने के बाद अगर डेटा है, मान लीजिए कि इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है और इसमें भी डेटा है, तो उस केस में क्या हो, उस केस में ये एल्स पार्ट में चला आएगा और यहाँ रन करेगा। क्या रन करेगा? जो डेटा होगा, जो डेटा यहाँ होगा, जो डेटा यहाँ यूज़र फिल करेगा, यहाँ फिल करेगा, यहाँ फिल करेगा, इस ये जो डेटा है, इस डेटा को पहले मैं एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और इसमें क्या डेटा आएगा, इसमें डेटा आएगा जो हमारा नेम में आएगा। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा, इस एक स्टेटमेंट से इससे होगा ये कि जो भी नेम में फिल होगा, नेम वाले फील्ड में, यानी कि यहाँ जो फिल होगा वो डेटा आकर असाइन हो जाएगा यहाँ। याद रखिएगा ये जो रिक्वेस्ट है इससे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इस ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इससे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं नेम सेक्शन के डेटा को। ये नेम कहाँ से लिखा है मैंने, ये नेम मैंने लिखा हुआ है यहाँ से, इस नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दिया गया है नेम ये। ठीक है, इससे हम लोग एक्सेस करेंगे कि इस नेम वाले सेक्शन में क्या डेटा आ रहा है। वो डेटा सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद इसमें असाइन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग रोल के लिए भी और एड्रेस के लिए भी इसी तरीके का वेरिएबल बना लेते हैं तीन। यहाँ हम लोग नेम से हटाकर इसको क्या कर देंगे, रोल कर देंगे, और यहाँ भी हमें इसको रोल कर देना है और इसको एड्रेस, देन इसको भी एड्रेस। अब ये जो तीनों डेटा है यहाँ पर, आपको ये जो डेटा है, ये रोल डेटा और एड्रेस डेटा, ये तीनों आकर वन बाय वन इसमें असाइन हो जाएगा, यानी कि नेम में, देन रोल में और एड्रेस में। ठीक है, असाइन होने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो डेटा आया है, ये डेटा हमें अपने डेटाबेस में ले जाकर सेव कर देना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ कोड इंसर्ट करने का, वही कोड हमें यहाँ लिख देना है। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको कमेंट से हटा देते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें आपको एडिट करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ आपने मैनुअली ये वैल्यूज़ लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यूज़ अब आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये इसमें जो वैल्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि ये इसमें जो असाइन होगा, इसमें जो असाइन होगा, इसमें जो असाइन होगा, वो जाकर इंसर्ट होना चाहिए इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में। आपको करना ये है कि ये सारी चीज़ें रिप्लेस कर देनी है इससे, यानी कि जहाँ कॉमन लिखा हुआ है वहाँ डायनेमिकली जो नेम आएगा यूज़र के द्वारा उसको सेव कर देना है इस नेम कॉलम में। इसी तरीके से इसमें 102 में यहाँ जो रोल में आएगा उसको सेव कर देना है। उसी तरीके से एड्रेस में जो आएगा उसको एड्रेस में सेव कर देना है। ठीक है, इतना हो गया, बस इतना इतना ही काम करना है आपको। इतना काम करने के बाद आपको इस क्वेरी को रन करवाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो यहाँ कोड लिखा हुआ है, यही कोड, ये पूरा का पूरा एक्चुअली में आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पर आपको बस इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है और आपका काम रिकॉर्ड, जब भी ये एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुल्ली तो ये ट्रू आ जाएगा, फिर आपको रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली का मैसेज मिल जाएगा। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होगा तो आपको अनेबल टू इंसर्ट का मैसेज मिलेगा। ठीक है, पूरा कोड समझ में आ गया, बस इतना ही करना है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है और आपका काम ख़त्म। और आपने एक सिंपल सा इंसर्ट करने का एप्लीकेशन बना लिया। इसको सेव करते हैं, होपफुली कोई एरर ना हो, अभी तो एरर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको रन कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, तो रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अभी अगर एम्प्टी रखते हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करने पर ये फील्ड ऑल फील्ड्स बताएगा। यहाँ डेटा आप देख लीजिए, इसमें कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ अभी तक। आप अगर सिर्फ नेम लिखते हैं, मान लीजिए कि मैंने नेम लिखा राज, और अभी सबमिट पर क्लिक करते हैं तो भी ये फील्ड ऑल फील्ड्स कहेगा और डेटा इंसर्ट नहीं करेगा डेटाबेस में, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यानी कि सभी फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, सभी फील्ड्स में आपको डेटा रखना ही पड़ेगा, तभी आपका डेटा इंसर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा हम लोगों ने अपने कोड में यहाँ पर इस इफ के जरिए लिखा हुआ है। ठीक है, सो सभी में डेटा लिखते हैं, देखते हैं राज नाम से पहले से कुछ है क्या। राज नाम से पहले नहीं है, तो एक नेम बना देते हैं राज, और 130 का रोल नंबर, और इसको एड्रेस देते हैं हम लोग दुबई का। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने से आपको यहाँ दिखाई देगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल्ली का मैसेज मिलता है। आप यहाँ डेटाबेस में चेक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक 7 का आईडी नया इंसर्ट हुआ, जिसमें आपका जो डेटा था फॉर्म में जो आपने सप्लाई किया वो आकर इसमें सेव हो गया। तो इस तरीके से पूरा काम करता है ये इंसर्ट करने का
तरीका ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि MySQL आई का इस्तेमाल करके, MySQL आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस का इस्तेमाल करके कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में डेटा, वह हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ओके सो अगर फिर से कोड में आते हैं, यहाँ शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो हमारा सर्वर है उसको मैंने, जो होस्ट है मैंने उसको असाइन किया है, रूट यूज़र है उसको असाइन किया है, मेरा जो ये इसका जो यूज़र है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ पासवर्ड, इस यूज़र का कोई पासवर्ड नहीं तो ब्लैंक रखा हुआ है, डेटाबेस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसका हम लोगों ने लिखा हुआ है, देन इससे कनेक्शन ओपन हो रहा है, देन यहाँ कनेक्शन चेक किया जा रहा है, उसके बाद ये हमारा पूरा इंसर्शन का कोड है, इसे सबमिट बटन पर क्लिक होगा तभी इसके अंदर का ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जब इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा सबमिट बटन पर क्लिक होने पर इसके अंदर का जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या सारे फील्ड्स जो हैं हमारा फॉर्म का, ये जो इसमें सभी में डेटा है या नहीं, अगर किसी एक में भी डेटा नया हो तो ये एरर मैसेज दे देगा फिल ऑल फील्ड्स, यानी कि सभी में डेटा होना चाहिए, अगर सभी में डेटा है तो ये एल्स पार्ट को यानी कि इसको रन करेगा, और इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने कि जो भी फॉर्म से डेटा आ रहा है उसको मैंने इस वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, रोल से जो भी डेटा आएगा उसको मैंने इसमें असाइन किया है, एड्रेस से जो डेटा आएगा उसको मैंने इसमें असाइन किया है, देन इंसर्ट इनटू का क्वेरी यहाँ लगाकर मैंने जो नेम में आएगा उसको नेम कॉलम में सबमिट कर देना है, जो रोल में आएगा उसको रोल कॉलम में, जो एड्रेस में आएगा उसको एड्रेस में, देन इस क्वेरी को हमें रन कर देना है और हमारा ये मैसेज है सिंपल सा कंडीशन के साथ। ओके सो बस यही है हमारा इंसर्ट का तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड MySQLi में, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।